इस वीडियो का जो है, इस ब्लॉग के द्वारा जो ये मकसद है जागरूकता और सही जो इन्फॉर्मेशन जो अनुभव के द्वारा प्राप्त है उसको बताना जो है। अब जैसे आप कहा जानते हैं कि समय खराब तो दुनिया रूठी और सच्ची बात भी लगती झूठी। और आज का मानव मंगल ग्रह पर जा रहा है या पहुंच रहा है और जीवन में भी जो मंगल ही मंगल चाहता है, ऊपर भी मंगल और नीचे ही मंगल। लेकिन कभी किन्हीं कारणों या कारण न जाने किस कारण से आपकी ज़िंदगी या जीवन में अमंगल या कोई अनहोनी अचानक हो या कोई बड़ी जो है अमंगल आ जा, तो उससे जो ज़िंदगी हाहाकारी और तबाही की ओर चली जाती है। और इसके लिए एक दृष्टांत एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये भारत सरकार का NCERB का आंकड़ा है कि भारत में जो RTI के द्वारा मालूम हुआ है कि एक वर्ष में लगभग 1.25 लाख जो है फर्जी फेक या फाल्स जो अभियोग दर्ज किए जाते हैं। और मान लीजिए आपके खिलाफ भी कोई एक या दो फर्जी अभियोग किसी थाने में फाल्स या फेक या फर्जी ढंग से दर्ज कर दिए जाए, उस समय आपकी ज़िंदगी लाइफ आज़ादी लिबर्टी गरिमा आदि नौकरी में है तो ये सब जो है क्षति हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। और आपको इनका बचाव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और पहले जो कविता मैंने एक शायरी सुनाया था वो इसी पर्पज से थी। अब जैसे आप मान लीजिए जब ऐसी घटना ऐसी नौबत आ जा तो आप जितने जो अवांछित एंटी सोशल लोग हैं या कोई संस्था है जहाँ भी आपको इस तरह का संदेह हो उनसे दूरी, जितनी दूरी हो दूरी बना लें और कूल और शांत रहकर धीरज धैर्य से गौर करें और उसका मुकाबला करने का लीगली स्तर पर कोशिश करें। क्योंकि आप हड़बड़ी और एकाएक कुछ दिखाएंगे तो सिवाय आर्थिक नुकसान मानसिक टेंशन एंजाइटी के अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि लोग जो है स्कैम और इन सब चीज़ों का फायदा उठाने में बहुत ही माहिर और एक्सपर्ट हैं। भले आपकी मदद ना करें लेकिन आपका नुकसान जरूर कर सकते हैं और आप ये छोटी ही चीज़ जो है आपको बहुत जो है हानिकारक हो सकती है। अब इसमें ये है कि आपको ये देखना है कि जो आपके खिलाफ जो है जो फर्जी अभियोग फाल्स या फेक है तो श्योर एंड सर्टेन है कि आपके पास कुछ ऐसे सबूत होंगे, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो चाहे डिजिटल हो चाहे CCTV फुटेज हो या PTM के द्वारा भुगतान हो, कुछ ऐसे अकाट्य चीज़ होगी जिसके द्वारा जो है आपको मालूम है उस क्राइम सीन पर या उस वक्त या समय पर मैं नहीं हूँ। ऐसे साक्ष्य को कई कापियों में कई जगह जो है विभिन्न जगहों पर सुरक्षित रख लें ताकि जो है कोई अनहोनी हो, कोई साक्ष्य नष्ट करना चाहे या आपसे कहीं हो जाए तो ये साक्ष्य बने रहें और आपके भविष्य में ये बहुत कारगर होंगे। और इसके लिए तरह तरह के कानून हैं और उस कानून में इन सबूत को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है, चाहे ट्रायल लोअर कोर्ट का ट्रायल हो या आपकी बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो या आप हाई कोर्ट में CRPC की धारा 482 के तहत स्क्वैश कराना चाहते हैं या FIR को चैलेंज करना चाहते हैं। बिना सबूत के लाख हो फर्जी हो फेक हो उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। और इसके लिए ये है कि आप जो है कई लोगों से, कई वकीलों से, विभिन्न तरह के लोगों से बराबर जो है बात करें, परंतु जो असली जो सबूत हैं जब तक कोई विश्वसनीय वकील न मिल जाए उन्हें ना बताएं। क्योंकि
जो भी लोग हैं वो सबूत में जैसे वो FIR आपके खिलाफ देख लेते हैं तो वो केवल जो है आपको ब्लैकमेल करके और कमियों पर जो है काम करते हैं, कोई ना कोई कमी आप ही कमी ढूंढते रहेंगे। आप लाख पक्ष मजबूत हो क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है और आपको परेशानी करना है, उस मामले को और खींचना है, बढ़ाना है, तो इन पर वो फोकस रहते हैं। और इसलिए जो आप जो मजबूत आपके सबूत हैं उसको बहुत संभाल के रखें, किसी को न शेयर करें न किसी को बताएं, जब ज़रूरत पड़े तो ऐन वक्त पर जो उसका इस्तेमाल करें। और उससे ये होगा जो आपका जो खिलाफत करने वाला जो बादी है वो भी हक्का बक्का हो जाएगा और उसकी तोड़ वो खोज नहीं सकता है, क्योंकि वो अभियोग तो दर्ज करा सकता है लेकिन साबित करना जो है उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। और चूंकि कानून जो है आप जानते हैं कि आपको कानून पर विश्वास रखना होगा, लोग गलत हैं, संस्था गलत है, सब कुछ है, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होता। उसका कारण ये है कोई ना कोई बंदा जो नेक है और जिसके वजह से ही ये सारे संस्थान और जो भी चीज़ें हैं रन कर रही है, चल रही है। आप विश्वास रखिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये अच्छी ज़िंदगी पुनः बहाल कर सकते हैं और पुनः जो है नेक्स्ट ब्लॉग में जो है आपको कंटिन्यू मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।